वहाँ दिल्ली को थिएटर की नगरी कहते हैं, वहाँ मुंबई को एक्टिंग हब माना जाता है, पर एक्टर बनने का रास्ता इतना आसान नहीं होता। आज जितने भी सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, कभी वो भी इन्हीं ऑडिशंस की लंबी लाइनों में खड़े होते थे। अगर सही गाइडेंस मिले तो कोई भी इस भीड़ का हिस्सा बनने के बावजूद आगे निकल सकता है। यही आइस का मोटो है। हर एक एक्टर को सही तरीके से ट्रेन करना ताकि जब इम्तिहान की घड़ी हो तो वो अपना बेस्ट देके अपनी अलग जगह बनाए। आईस में जब हम लोग एक्टिंग सेशंस करते हैं तो तब यहाँ पे ऑन फील्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं, मॉक ऑडिशंस को लेकर अलग से सेशंस किए जाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस मिल जाता है कि रियल लाइफ में ऑडिशंस होते कैसे। सो लेट्स सी। हम उन्हें कैमरा के सामने एक मोनोलॉग या डायलॉग परफॉर्म करने को बोलते हैं। यार मम्मा मैं आपको कैसे समझाऊं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, और उधर पापा अंदर बुलाने का नाम ही नहीं ले रहे, बस हाँकते जा रहे हाँकते जा रहे, और मैं पापा को अंदर भेजती हूँ, प्लीज आप उन्हें समझा देना, प्लीज माँ, प्लीज मम्मा। कैसे समझाऊं, पहले की कैरेक्टर में थी ही नहीं, यू आर ओनली एक्टिंग द डायलॉग्स। लड़कियों तुम्हारे पास कुछ और मोनोलॉग है जो आपको ऑलरेडी पता हो, तो कौन से वाले में कंफर्टेबल हो? कैरेक्टर के मूड में होना पड़ेगा और तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि कट नहीं हो जाता है। एग्जिट और बी देयर टिल द कट हैपेंस। तो अब हम दो नए स्टूडेंट्स को परफॉर्म करते देखेंगे, देखते हैं, लेट्स सी दैट कितना इंप्रूव किया है। लेट्स स्टार्ट विद स्वाति एंड अनीश। लेट्स गो, लेट्स गो। ऑन योर मार्क प्लेसेस बी इन योर मूड। हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा सतेंद्र, हमें घुटन हो रही है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप चाहते क्या है हमसे? हम क्या चाहेंगे, काम कर रहे हैं बस। काम कर रहे हैं या मौके का फायदा उठा रहे हैं आप? हम मौके का फायदा उठा रहे हैं। हाँ तुमसे ही शिकायत, अब तुमने उठाया अब हम उठा रहे हैं। सतीन हम कोई मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं, और आपको पता है मौके का फायदा उठाने किसे कहते हैं? अगर हम अभी जाके बाहर चिल्ला दें और कह दें कि आप हमें मोलेस्ट कर रहे हैं, सतीन मिश्रा आईएएस ऑफिसर हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, उसे कहते हैं मौका परस्ती। तब भी मतलब ही थी पर आज ही मतलब है। सतेंद्र हम बात करना चाहते हैं ना, प्लीज बात कीजिए ना आराम से, आप बात ही नहीं करना चाहते आप। करेंगे बात, बोल। और तुम अच्छे से समझ भी पाती हो बेहतर तरीके से, बट आई ऑलवेज वांट कि एक स्टेप तक पहुंच गए तो आगे बढ़ना चाहिए, उसको सेम चीज को रिपीट करना नहीं चाहिए, बट इट वॉज गुड, इट वॉज गुड। जैसे आपने देखा हमें बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है यहाँ पे, ऑडिशंस में कैसे परफॉर्म करना है इसके लिए पूरा वर्कशॉप होता है जहाँ पे हमें सिखाई जाती है कि एक्टिंग कैसे करनी है। आई थिंक हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, और हम कोई भी ऑडिशन इंपॉर्टेंट ऑडिशन के लिए हम अगर जाते हैं तो यहाँ अगर परफॉर्म कर लें तो हमें बहुत हेल्प होता है। ऑल थैंक्स टू आइस।